संदेश खाली मुद्दे पर जेपी नड्डा ने ममता सरकार को घेरा, बंगाल में 35 से अधिक सीटें जीतने का दावा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के शाहजहां शेख जैसे लोग संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। महिलाओं की रक्षा के लिए संदेश खाली गए केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला किया गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संदेश खाली मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा 35 से भी अधिक सीटें जीतने वाली है। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के शाहजहां शेख जैसे लोग संदेश खाली महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। महिलाओं की रक्षा के लिए संदेश खाली गए केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला किया गया। संदेश खाली में जांच के दौरान सीबीआई ने 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए 1 रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए। एनएससी के कमांडो भी लोगों की रक्षा के लिए संदेश खाली गए। उन्होंने आगे कहा कि यहां से आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह अराजकता फैला रही है, जनता आपको इसका जवाब देगी। भाजपा यहां 35 से अधिक सीटें जीतने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।